ओके तो अब हम यहाँ पर ये जो मेन्यू के आ रहे हैं ऑप्शंस इनको देखेंगे और थोड़े बहुत ऑप्शंस को मजीद एक्सप्लोर करके हम लोगो टाइप्स के ऊपर डायरेक्टली चलेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ सकें। यहाँ तक ये बेसिक्स चीज़ें मैं करवा रहा था और बेसिक्स आई थिंक यहाँ पर एंड कर देनी चाहिए। ओके अब गाइज मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि मैं कोई प्रेपरेशन करके नहीं स्टार्ट करता, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ और जैसे जैसे जहन में जो जो टूल आता जाता है आप लोगों को समझाता जाता हूँ। ठीक है, कोई मेरे अंदर ये नहीं होता कि मैं ये वाली चीज़ आज करवाऊंगा और इसको मैं इस डिटेल से पहले रीड कर लूँ बाद में मैं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये चीज़ आती है तो मैं उसके मुताबिक आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, इसलिए थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है तो उस चीज़ को आप बियर किया करें। सबसे पहले ऑप्शन है फाइल, इसके अंदर ऑप्शन मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी न्यू न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हम बना सकते हैं। जैसे ये बैनर एड्स आ गया, इसके अंदर डिफरेंट मेरे पास आर्टबोर्ड्स बने हुए आ गए और इनके अंदर मैं आगे डिजाइनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इवन तो यहीं पर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर दोबारा जाता हूँ, ब्लैंक टेम्पलेट्स जो कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसके अंदर मेरे पास सीडी प्रिंट आइटम करके है, तो यहाँ पर देखिए ये सीडी के प्रिंट्स करके आप लोग जो है ना अपने प्रिंट्स निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह उनको डिजाइन कर सकते हैं, ये सीडी के प्रिंट्स के मुताबिक सारा कुछ बना हुआ है। ठीक है, इवन दो आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाकर मजीद टेम्पलेट्स आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, ये टी शर्ट का डिजाइन आया था, ठीक है आप सिंपली इसके अंदर अपना डिजाइन बना कर रख सकते हैं और जब उसको प्रिंट करेंगे तो वो टी शर्ट के डिजाइन के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओपन के मेन्यू पे क्लिक करके हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल ओपन रिसेंट में जाकर हम देख सकते हैं कि कौन सी रिसेंटली फाइल हमने ओपन की थी। उसके बाद ब्राउज इन ब्रिज जो है ये एडोबी की एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप एडोबी की ऑल फाइल्स को जो है एक्सेस कर पाते हैं। क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्पेसिफिक जो टैब है, ये जो स्पेसिफिक फाइल ओपन है ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इसको सेव कर सकते हैं और नीचे ही ऑप्शन है सेव एज का। ठीक है, इसके अंदर हम इसकी फाइल वगैरह चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं और नीचे है सेव अ कॉपी, इसकी एक और कॉपी सेव हो जाए उसके लिए, और सेव एज टेम्पलेट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं जैसे वो ऑलरेडी सेव थे। ठीक है, और अगर सिलेक्टेड वर्जन हिस्ट्री रिवर्ट इन ऑप्शन को अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है, और मजीद नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सर्च अडोब स्टॉक का जिसको हम नहीं यूज करेंगे ना ही आप यूज कर सकते हैं। प्लेस का ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर क्या होता है ना कि आप कोई भी इमेज फाइल ले हैं, लाइक मैं ये ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ कि कहाँ पे मैंने इसको प्लेस करा, मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये देखिए ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस हो गई है। ठीक है, मैं इसको स्पेसिफिकली जगह पे प्लेस कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने इसको प्लेस करना हो। ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन और एक्सपोर्ट एज अ सेव फॉर वेब। ठीक है, ये तीन ऑप्शन जो है बहुत जरूरी है, लाइक हम सेव फॉर वेब जो है ये ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसको ओपन करेंगे मजीद मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं जिसके अंदर मेरे पास मजीद यहाँ पर ऑप्शन है जो कि हम लोगों को सेव करते हुए डिटेल से देखेंगे। अभी इन ऑप्शन को रहने दें और यही ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर, सेव फॉर वेब एंड शिफ्ट कंट्रोल एस से। ठीक है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन के अगर यहाँ पर मैंने कोई चीज बनाई हुई है और मैं इसको स्पेसिफिकली ठीक है सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन के ऊपर चला जाता हूँ तो स्पेसिफिकली मेरी वो सिलेक्टेड फाइल जो है मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पर इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है पैकेजेस को कोई जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट्स जो है इनकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको स्पेसिफिकली एक फोल्डर चूज करना पड़ता है जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को ट्रेस करके रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम इनको मैनुअली यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट का सेटअप, ठीक है, क्या इसके अंदर चीजें यूज हो रही है, यूनिट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, आर्टबोर्ड के अंदर ब्लेड कितना है, सॉरी, तो ये आपके ये जो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट ओपन है ये उसकी चीजें हैं, मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑनलाइन इमेजेस है, ग्रिड ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रिड साइज क्या है, ग्रिड कलर क्या आएगा, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है, और इवन दो आप यहाँ से कलर को सेट भी कर सकते हैं अपने ग्रिड वगैरह के और बैकग्राउंड कलर्स को, यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं।
फायर के अंदर आते हैं डॉक्यूमेंट कलर मोड आ जाता है, तो इसको आपने हमेशा RGB रखना है। फायर इन्फो की ये फाइल जो ओपन है इसकी क्या इन्फो है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। प्रिंट के लिए भी यूज़ होता है, एग्जिट से आपका सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाएगा। एडिट के ऑप्शन में अंडू और रीडू का आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होगा। अंडू से बैक स्टेप चले जाते हैं और रीडू से एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, तो मैं कह रहा था कि एडिट में अंडू और रीडू का आपको पता है करने की जरूरत नहीं है। कट का ऑप्शन इसलिए मुझे जरूरत है कि आपने स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां से कट करके किसी और जगह पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तब आप इसको करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो उसके कॉपी भी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं कॉपी, और अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो एक और उसकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। पेस्ट इन फ्रंट का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को लाजमी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक फर्ज करें मेरे पास रेड कलर का यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक और मैं इसका समझ लें ग्रीन कलर का, ठीक है। अब मैं एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आए और इसके बैक पे आए, तो कंट्रोल वी करूंगा तो ये पेस्ट हो जाता है डायरेक्टली। लेकिन अगर एडिट में जाऊं और पेस्ट इन फ्रंट के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में वो कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है वो पेस्ट हो गया, ठीक है। और अगर पेस्ट इन बैक करूंगा तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट इन प्लेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो उस स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली उसी जगह पे जहां पे ये पहले पेस्ट हुआ था उसी जगह पे ये पेस्ट हो जाएगा दोबारा और सबसे फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स के जितने आर्टबोर्ड्स आपने क्रिएट किए होंगे उन सब पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल खत्म हो जाए। फाइंड एंड रिप्लेस की कोई जरूरत नहीं है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। एडिट कलर्स के अंदर आप जो है कोई इस तरह की जरूरत नहीं है आपको। एडिट ओरिजिनल भी नहीं, ट्रांसपेरेंसी फ्लैटन प्रीसेट्स की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट एसेट अडॉप इन सब की कोई जरूरत नहीं। कलर सेटिंग असाइन प्रोफाइल कीबोर्ड शॉर्टकट, अच्छा कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारे के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मेन्यू कमांड्स के शॉर्टकट्स अगर आप कोई अलाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आकर आप देख सकते हैं ये आपके सारे के सारे शॉर्टकट कीज है, ठीक है। अगर आपके किसी टूल को नहीं शॉर्टकट की मिली हुई तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक डबल क्लिक करके उसको शॉर्टकट की अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने मुताबिक कस्टम शॉर्टकट कीज भी देख सकते हैं। माई सेटिंग्स के अंदर कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रीफ्रेंसेज जो है इनके अंदर भी कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हमें ऑब्जेक्ट के मेन्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगी, जारी बात है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गई, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज के ऑप्शन में ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ये अगर आपके पास दो तीन ऑब्जेक्ट हैं तो आप उनके दरमियान आपस में कर सकते हैं, और ये अलाइन का ऑप्शन भी इसीलिए यूज होता है, ठीक है। दो ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाता हूँ, अलाइन के ऑप्शन में जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, तो ये देखिए अलाइन हो गए, ठीक है। दोबारा ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाता हूँ, अलाइन सेंटर, तो बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे। एंड सेम इसी तरह आपके पास ऑप्शन आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, बैक भी आप देख सकते हैं। ग्रुप करने से क्या होगा कि इनका एक ग्रुप बन जाएगा, यार देखिए अब ये एक ग्रुप है, मैं इनको जहाँ भी मूव करूंगा दोनों एक साथ मूव होंगे, आप इनको जितना चाहे मूव करें। अच्छा यही ऑप्शन आपको यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको यही ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा ग्रुप और अनग्रुप का, तो मैं इसको सिंपली अब अनग्रुप कर देता हूँ, तो ये अनग्रुप हो गया, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में ही नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक का, ठीक है, लॉक में सिलेक्शन है। अगर मैं इन दोनों को लॉक कर दूंगा तो मैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट कोई चेंजिंग नहीं कर सकता जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा, इन दोनों के साथ लॉक लग गया, मैं इन दोनों को लॉक हटा दूंगा तो अब मैं इनके ऊपर कोई भी चेंजिंग्स कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में अगर मैं हाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाइड एंड हाइड यहाँ से मैं कर सकता हूँ उसको सारा कुछ, ठीक है। शो ऑल पे मैं सारा करूँगा। अब ये एक्सपैंड का जो ऑप्शन है ये ज्यादातर टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है, ज्यादातर टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ज्यादातर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लोगो डिज़ाइन और इसको मैंने बड़ा कर लिया कुछ ऐसे। ओके, लोगो डिज़ाइन कर लिया, यहाँ से फ़ॉन्ट भी कोई चेंज कर लेते हैं। ओके, अब फर्ज करें जब मैं ये वाली फाइल जो है मैंने ये एक फ़ॉन्ट इसके ऊपर लगाया, कोई भी मैं और फ़ॉन्ट लगाता हूँ जो कि कस्टम फ़ॉन्ट हो, ठीक है, ये कस्टम फ़ॉन्ट है। अच्छा, अब मैंने कॉपर ब्लैक इसके ऊपर फ़ॉन्ट लगाया जो कि कस्टम है, मैंने मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब मैं अगर ये यूज़र को सोर्स फाइल भेजता हूँ तो उसके पास अगर ये फ़ॉन्ट नहीं होगा तो उसके पास जब ये फाइल ओपन होगी तो उसके पास एक एरर देकर ये डिफॉल्ट फ़ॉन्ट में चली जाएगी, मतलब ये उस यूज़र को मे बी इस फ़ॉन्ट में नज़र आए। ठीक है, तो डैश में के मेरा लोगो तो खराब हो गया, अगर मैंने ये इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इस टेक्स्ट में गिर जाएगा तो मेरा तो लोगो खराब हो गया। मैं अगर इसी लोगो के इसी जो फाइल है उसको भेजना चाहूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, एक्सपेंड के अंदर जाऊंगा और इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया, अब एक बात देखने वाली है कि मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ अब तो मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा। डैश में मैं इसको कभी भी एडिट नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली हुआ क्या हुआ, ये कि ये एक ग्रुप बन गया और वो ग्रुप के हर एक लेटर अलग अलग हो गया, ठीक है, और मैं इन लेटर्स को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इन लेटर्स को अब अगेन टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूं और आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप के अंदर चला जाऊं, आइसोलेट से क्या मुराद है कि मैं इस ग्रुप को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं इस ग्रुप के अंदर एडिटिंग करना चाहता हूँ, सिंपली मैंने क्लिक किया। अनग्रुप किए बगैर आप एक एक लेटर को अलग अलग कर सकते हैं और बेसिकली ये आपका ग्रुप ही रहेगा। ठीक है, आप हर लेटर के अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, ये आपका बेनिफिट है एक्सपेंड करने का। जब आपका काम हो जाए डबल क्लिक करें कहीं भी, आप यहां से आइसोलेट ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। अब अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये एज अ ग्रुप ही मूव हो रहा है। ठीक है, इवन दो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक लेटर को अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ। अब ये अनग्रुप हो गया तो एक एक लेटर हो गया। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो इनको मजीद भी एडिट कर सकता हूँ। मजीद कैसे एडिट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाते हुए कोई दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँ, राइट नाउ मैं इन दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इनको यहाँ से देखें एरो की को प्रेस करते हुए मैं इनके अंदर मजीद चेंजिंग्स भी कर सकता हूँ। इवन दो मैं इसके अंदर कुछ इस तरह की चेंजिंग्स भी ला सकता हूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसे सेम इसी तरह इसके अंदर चलते हैं। ओके ओके, यहाँ पे देखिए अब सिंपल मैंने क्या किया कि एक्सपैंड मोड को यूज करते हुए लोगों के ये जो फर्स्ट दो लेटर है इनके अंदर चेंजिंग की। एंड यू नो थोड़ा सा ये ऐसे लग रहा है जैसे ब्रश के साथ टपक रही हो, बूंदे टपक रही हो, आप इस तरह की चीजें भी बना सकते हैं। बस बताने का मकसद ये था कि आप लोग टेक्स्ट के ऊपर ज्यादातर ये यूज होता है ऑब्जेक्ट का एक्सपेंड का ऑप्शन, एक्सपेंड अपीयरेंस का भी वही ऑप्शन है, क्रॉप इमेज का। अच्छा, रेस्टराइज से क्या होता है, रेस्टराइज के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, रेस्टराइज, स्पेलिंग को बियर कीजिएगा मैं आपको बताने के लिए रेस्टराइज से होता क्या। ये हमारे पास ही टैक्स आ गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई भी गार्डियंस अप्लाई कर लेता हूं। ओके, गार्डियन शो क्यों नहीं हो रहा, चलें वो अप्लाई नहीं भी हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टी के ऊपर काफ़ी जूम इन कर लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ, रेस्टराइज का ऑप्शन यूज करता हूँ, अभी क्या हुआ ना कि इसने पिक्सल्स फाड़ने शुरू कर देने। देखिए मैं जूम इन कर रहा हूँ, पिक्सल्स फटना शुरू हो गया, ये देखिए। तो मैं
इस चीज को नहीं कभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप रेस्टराइज का ऑप्शन यूज करें, लेकिन काफी जगह पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, आप ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिएट गार्डियन में ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, स्लाइस कुछ भी नहीं। पाथ का ऑप्शन जो सा है ये आपको मैं समझा देता हूँ, पाथ का ऑप्शन कहाँ पे यूज होता है कि अगर फर्ज करें दो लाइंस है मेरे पास, शिट लाइन का कलर देता हूँ रेड कलर दे देते हैं, तो लाइन है मेरे पास ब्लू रेड, ठीक है, काफी ज्यादा ही लाइन हो गई, इन सबको डिलीट करता हूँ, दोबारा से बना लेते हैं। लाइन बना ले, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है किसी भी तरह की जिसका पाथ आ रहा हो आपको, ठीक है, तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसी का एक डुप्लीकेट, सॉरी पहले इसको कलर कर देता हूँ रेड, फिर इसी का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अच्छा, तो काफी देर से पता है मेरे से मिस्टेक क्या हो रही है, मैं ये लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से इसका स्ट्रोक 0 रखा हुआ है, स्ट्रोक ही तो सब कुछ है, ठीक है, स्ट्रोक रखूंगा और यहाँ से स्ट्रोक 2 पॉइंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दो पाथ आ गए, अब फर्ज करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करते हैं, इसको भी और इसको भी एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ एक्टिव होगा। अब फर्ज करें मैं चाहता हूँ ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट आपस में मिक्स हो जाए, तो क्या करूंगा, पहले इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, साथ ही शिफ्ट की को प्रेस करते हुए इस एंकर पॉइंट को कर लूंगा, शिफ्ट की से क्या होगा, ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से जाता हूँ ऑब्जेक्ट के मेन्यू के अंदर, पाथ के अंदर, और ज्वाइन पाथ के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए एक लाइन इन दोनों के दरमियान में बन गई जिसने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इवन दो आप इस पार्ट को और इस पार्ट को भी मिक्स कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद पाथ है, इसके बाद एवरेज है और आउटलाइन स्ट्रोक है, ये सारे ऑप्शंस आप जब खुद यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, इवन जो आप एंकर पॉइंट भी इन पार्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। सो इसके बाद जो ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट के अंदर वो हमारे यूज के नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं देख रहे। टाइप के अंदर भी कुछ खास नहीं है, आप अगर स्पेसिफिकली खुद करना चाहें कोई तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आप लोगों को मजीद इसके अंदर बतानी पड़ेगी। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं, सेलेक्ट के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फिल कलर ये वाला करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह बना ली, तो सिलेक्ट के अंदर जाते हैं, सबसे पहले ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, अगेन सेलेक्ट पे जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल ऑन एक्टिव आर्टबोर्ड, तो इस आर्टबोर्ड के ऊपर जितनी होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, अगर ज्यादा आर्ट बोर्ड हो तो सिलेक्ट के ऊपर जाते हैं, सारी सिलेक्ट है तो डिसलेक्ट कर सकते हैं, अगर रीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 6 से कर सकते हैं। इनवर्स से क्या होगा कि ये वापस से दोबारा रीसिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, रीसिलेक्ट के ऑप्शन से मुराद है कि ये दोबारा रीसिलेक्ट होगी या नहीं होगी, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अब इनको इनवर्स को रीसिलेक्ट को आप एज अ कंपेयरिंग मतलब समझ लें कि एक जैसे है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो, ठीक है, ये अगर अबव एंड बिलो के ऑप्शन मौजूद है मतलब ऑब्जेक्ट इस तरह पड़ी हुई हैं, देन आप इनको यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो, देखिए नीचे वाली सिलेक्ट हो गई, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो उससे नीचे वाली सिलेक्ट हो गई, इसी तरह ऑब्जेक्ट को अबव वाली को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की ब्लू कलर की, मैं कहता हूँ कि इसके साथ की सारी सिलेक्ट हो जाए, सेम के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ सेम फिल कलर के जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ये देखिए इसने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर आता हूँ, सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ, सेम के ऊपर कि सेम फिल कलर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट के अंदर डिफरेंट सेम के ऑप्शन आ जाते हैं, पेरेंट्स के लिहाज से, ब्रांडिंग मोड के लिहाज से, जिसके हिसाब से मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट्स के अंदर मतलब आप यहाँ पे ऑल ऑन सेम लेयर्स के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन हैंडल के ऊपर जो जो चीजें ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि जो एक लेयर के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन दो आप सिलेक्शन सेव भी कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप उसको यूज कर सके। इफेक्ट्स के ऑप्शन है, अगर आप किसी चीज पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी चीज है उसके ऊपर इफेक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इफेक्ट यूज कर सकते हैं। इवन दो ये फोटोशॉप जैसे ही है, जैसे फोटोशॉप के अंदर इफेक्ट होते हैं, ये इलस्ट्रेटर के कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। इवन दो ये देखिए ये फोटोशॉप वाले इफेक्ट है, गार्जियन ब्लर का जो ज्यादातर इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। ओके, देखिए गार्जियन ब्लर को यूज करते हुए आप अच्छी शेप्स ऐड कर सकते हैं, मजीद अच्छी इसके अंदर चीजें बना सकते हैं, ठीक है। व्यू के अंदर है आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इनको आई थिंक डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के पास स्मार्ट कार्ड्स एक्टिव होना चाहिए, स्नैप टू पिक्सल, स्नैप टू पॉइंट और स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। व्यू के ऊपर जाते हैं, शो ग्रिड अगर आप करेंगे तो आपको ग्रिड नजर आ जाएंगे, गाइड्स को भी आपने यहाँ से शो गाइड के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, बाकी मजीद आपको किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। रूलर्स जो से हैं वो आप लोगों के पास अगर नहीं आ रहे तो कंट्रोल आर से आप रूलर्स एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से व्यू के अंदर भी आपको रूलर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। विंडोज के अंदर भी आपको डिफरेंट मजीद ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप शो और हाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्प का ऑप्शन आया था वो आप लोग छोड़े, ठीक है। यहाँ तक हमारा ओके हो गया, यहाँ तक हमारे मेन्यूज क्लियर हो गए। ये जो मेन्यूज है इनके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मजीद इनके ऊपर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बाकी चीजें देख सकते हैं। तो आज से ही कोशिश करूंगा या कल से हो सकता है, कल से हम लोगो टाइप्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी आज मेरा असाइनमेंट देने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आज आप लोग जस्ट इतना करिएगा कि सारी वीडियोज को एक दफा रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको टूल्स और शॉर्टकट कीज याद हो।